बहुत अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए। उसमें हमारी भी लापरवाही है, उन लोगों की भी लापरवाही है। देखिए अमृतसर में तो 60 लोग सिर्फ इस लापरवाही से, कि उन्हें ये अंदाज ही नहीं था कि कहाँ खड़े हैं। तो मैं ये अपील करूंगा फोर्सेस को, तो हमने कहा है कि उस एरिया को क्लियर किए बगैर और उसके ऊपर वो लगा दीजिए कुछ क्रीम पूरा जो लगा देते हैं पुलिस का। और लोगों को भी ये समझना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को भी लोगों को ये समझाना चाहिए कि लड़ाई की जगह जहां गोलाबारी हुई है वहां लोगों को जाने से एक दो दिन रोकें जब तक वो साफ ना हो जाए। स्टेक होल्डर से मेरी बात नहीं हुई है, मिलता मैं सबसे, मैं अभी जैसे उमर साहब से भी मिला, महबूबा जी से मिला, तारीगामी से मिला, सबसे मिलता हूँ। बात करना सरकार का काम है, मेरा काम है बात के लिए साजगार माहौल तैयार करना, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो। और आपने बहुत सारी चीज़ों में देखा होगा कमी आई है, वायलेंस में काफ़ी कमी आई है, नई भर्तियों में काफ़ी कमी आई है, पत्थरबाजी में काफ़ी कमी आई है। और मेरी वजह से नहीं हुई, वो लोगों के एटीट्यूड से हुई। मेरे से ज़्यादा जानते हो कश्मीर, इतना मतदान बहुत बार हुआ है, इससे कम। सारी पार्टियाँ उसका विरोध कर रही थी, सारी पार्टियां उसमें हिस्सा नहीं ले रही थी, हुर्रियत विरोध कर रही थी, टेररिस्ट धमकी दे रहे थे, उसके बावजूद आखिरी दिन श्रीनगर में 10,000 आदमी ने वोट डाला। मेरा स्पेसिफिक मैसेज ये है कि कश्मीर दुनिया की सबसे शानदार जगह है, और कश्मीर के लोगों को ये मैसेज लेना चाहिए कि अगर आप अमन कायम कर देंगे तो आपके यहाँ तो स्विट्जरलैंड से ज्यादा लोग आएंगे। क्या एक एश्योरेंस है टूरिस्ट्स को वर्ल्ड वाइड कि कश्मीर सेफ है? सिर्फ यहाँ पर एरिया पर बिल्कुल दे सकता हूँ। और हम जो आपके टूरिस्ट, जो ये टूरिज्म में लगे हुए लोग हैं, ये जहाँ भी फोर्सेस की मदद चाहेंगे हम उनको देंगे, और जो भी सुविधा चाहेंगे देंगे। सर सर आखिरी बात सर जानना चाहेंगे, आप खुद निकल जाइएगा। सर सर जो अभी पंचायत चुनाव है, और राजनाथ सिंह जी जो होम मिनिस्टर वो भी कश्मीर के दौरे पे आए थे, तो क्या हम उम्मीद करेंगे कि पंचायत चुनाव में जो है इस तरह और बेटर माहौल आप बना पाएंगे? हाँ, इसमें सब लोग शिरकत करेंगे। ये वाला जो चुनाव है इसमें चूंकि एक एक गाँव में 1 करोड़ से ज्यादा रुपया मिलेगा, इसमें सारी पार्टियों के लोग, चूंकि सिंबल नहीं है, लिहाजा सब शिरकत करेंगे और ये बेटर होगा। थैंक यू। करप्शन ब्यूरो बनाया, उसके कानून बनाए, और कल हमने तय किया है कि जो कश्मीर के जो ये जो होते हैं, क्या बोलते हैं, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो ऑफिसर हैं, उनसे हमने 1 महीने में उनकी प्रॉपर्टी का ब्यौरा मांगा है, जिसको हम नेट पे डाल देंगे। सर आपने बहुत बड़ा स्टेप उठाया है, जो ये इंश्योरेंस कवर का जो स्टेप था, काफी एम्प्लॉइज से डिसअपॉइंट भी हुए हैं, गवर्नमेंट ऐसे कैसे कर सकती है, तो इसके बाद जो है इसको फैलाने की कोशिश, कश्मीर के बाकी इंडेक्स चाहे कम हो, करप्शन के इंडेक्स पे कश्मीर काफी आगे है। एम्प्लॉइज तो चाहते थे कि कैंसिल हो, चूंकि इसमें घपला था, और मैंने इसको खुद देखा फाइल को, जब मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इसमें कोई ना कोई चीज गड़बड़ है, मैंने 1 मिनट नहीं लगाई, कल इसको कैंसिल कर दिया है, और अभी मैं बोल नहीं सकता हूँ, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, दे बी पनिश्ड। सर सर्कुलर आया, मतलब श्रीमद भगवद गीता को लेके, कि जम्मू कश्मीर के जितने भी इंस्टीट्यूट थे, वो कोई नासमझ आदमी था जिसने उसे भेजा था, पता चलते ही मैंने उसे वापस करा दिया।